मझुआ वन परिक्षेत्र में जंगल के राजा रानी का विचरण अब खतरे से खाली नहीं है। यह बात सच तब साबित हो गई जब शिकार की तैयारी में लगे 3 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। भले ही संसाधन विहीन वन अमला कर्तव्यों के निर्वाह में दिन रात डटा रहता हो, लेकिन बाघों के लिए इस क्षेत्र में खतरा साफ देखा जा रहा है। वन परिक्षेत्र में बाघों को बचाने के लिए लगातार वन विभाग लगातार कार्रवाई करता है। आपको हम बता दें कि एक बार फिर कार्रवाई हुई है। मझुआ वन परिक्षेत्र अंतर्गत धारकुंडी के जंगल में अमले ने शिकार की तैयारी में घात लगाए बैठे 3 शिकारियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से शिकार में इस्तेमाल होने वाली सामग्री को जब्त किया गया है। क्रमशः इन आरोपियों के नाम हैं सखावत खान, आसिफ खान और बिहारी साकेत, जो बाघों के मूवमेंट पर नज़र रखते थे। तो वहीं इसके अलावा अगर देखा जाए तो रेंजर दीपक राज प्रजापति और उनकी टीम द्वारा सराहनीय काम किया गया है और आरोपियों को अब गिरफ्तार किया गया है। इसके पहले कई घटनाएं सामने आई हैं जिनके चलते बाघों की मौत हुई है। बहरहाल वन विभाग द्वारा अब कार्रवाई की गई है और 3 शिकारियों को पकड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में बाघों के ऊपर खतरा कम नहीं हुआ है। यहाँ पर बाघों की मूवमेंट है और बाघों की यहाँ पे धारकुंडी के पास में बाघों का मूवमेंट है और यहाँ पर तेज़ दहाड़ने की आवाज़ आ रही है। तो मैंने जो धारकुंडी टाइगर सिक्योरिटी फोर्स है तो इनको मैंने यहाँ से सूचना दिया, तो ये मौके पर जाकर पहुँचे और इसी बीच में हमको यहाँ से सूचना मिली कि कुछ लोग बाघ के शिकार के उद्देश्य से ये जहाँ से इनको बाघों की आवाज़ उनसे लगभग 200-300 मीटर दूरी पर ये चमरुआ नाले के आसपास कुछ लोग यहाँ पर घुसे हुए शिकार के उद्देश्य से। तो हम लोग उनके आसपास जिस चमरुआ नाले के पास पहुँचे तो वहाँ पर इनके खूंटे गाड़ने की आवाज़ें आ रही थी। तो हमने उसी मौके पर पहुँच के इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके यहाँ से कई प्रकार के 2 बड़े बड़े चाकू हैं और साथ में जिसे लाठी है इसकी एक तरफ से कील ठुकी हुई है जो पीट पीट कर मारने के लिए उपयोग आते हैं। GI तार है, लगभग 6 से 7 बंडल हमारे पास में GI तार मिला हुआ है और इसके अलावा हमारे पास 85 जो है तो खूंटियाँ हैं। इन सभी खूंटियों की मदद से ये लोग तार फैला के तकरीबन 800 मीटर तक का जो है ये जाल फैला रखा था और इनके जहाँ से जाल फैला रहे थे इसी से तकरीबन 200-300 मीटर दूरी पर बाघों की लोकेशन थी। इसलिए हम लोगों ने इनको तुरंत से इनको पकड़ के और इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ पटाखे वगैरह चलाए जिससे कि जो बाघ हैं वो सुरक्षित हो जाएं और काफ़ी दूरी पर चले जाएं। कुल मिलाकर सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो यहाँ जंगलों से सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर जंगलों के प्रति जो चेतना है वो थोड़ा सा कम है। ये जंगलों के प्रति यदि अवेयर हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो जंगल है वो सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जंगल बचाने की मुहिम है वो सब एक दूसरे के सहयोग से होना बहुत ज़रूरी है। जब तक इनके अंदर अवेयरनेस नहीं आएगी, जंगलों के प्रति सचेतनता नहीं आएगी, तब तक जंगल को बचा पाना थोड़ा मुश्किल। गाँव में हमारा जो स्टाफ है पूरा सजग है। यहाँ पर बाघों की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर 3 टीमें मझगवा टाइगर सिक्योरिटी फोर्स, सरभंगा टाइगर सिक्योरिटी फोर्स और धारकुंडी टाइगर सिक्योरिटी फोर्स के नाम से 3 अलग अलग दल हैं। इन दल अपने अपना गश्ती करके अपना अपना क्षेत्र संरक्षित करते हैं। हमारे पास में जितने भी यहाँ पे बीट गार्ड हैं सभी को ट्रेनिंग के दौरान हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है और हमारे पास में अभी 3 अमेरिकन पंप गन हैं और एक सर्विस रिवॉल्वर भी है।